हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी जॉनसन मुजाहिदोवा हियर एंड ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है और नरिश करता है और मेकअप के लिए रेडी करता है। उसके बाद सेकंड मेरे पास ये स्किन केयर का एक प्रोडक्ट था, इसका नाम है स्नेल वाइट। ये हमारी स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो देता है और रिपेयर करता है, अगर कोई भी ड्राइनेस और डेड स्किन होगी उसको रिपेयर करता है। और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। एंड यू गाइस नो के निविया क्रीम इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बेशक विंटर हो या समर हो, हम मॉइस्चराइज स्किन को प्रिपेयर तो करना ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी क्रीम ख़त्म हो चुकी है बिकॉज ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है विंटर में भी। एंड ऑब्वियसली हाउ कैन आई फॉरगेट द लिप्स, लिप्स को भी मैंने मॉइस्चराइज किया है। एंड स्किन की हाइड्रेशन के लिए आई हैव यूज्ड रोज़ वाटर ओवर हियर। एंड अब बारी आती है हमारे मेकअप की। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है हमारे आईब्राउज से। तो इनके आईब्राउज़ को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा शेप नहीं दी, जस्ट नेचुरल शेप को ही थोड़ा सा फिल इन किया है जहाँ जहाँ से मुझे लगा कि ज़रूरत होगी। एंड उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं इनके आईब्रोज़ को टच किया, जस्ट जो नेचुरल लाइनिंग थी, जो नेचुरल शेप थी, उसके साथ ही कंटिन्यू किया है। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नेचुरल आईब्रोज़ किए हैं। उसके बाद फिर मैंने स्पूली की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट भी किया है। एंड आई होप के आगे मेरी आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आएंगी। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर माय यूट्यूब चैनल एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस आर गोना लव द अपकमिंग कंटेंट व्हिच आई एम गोना पोस्ट ऑन माय चैनल। सो अभी मैं स्पूली की हेल्प से इसको जो है ब्लेंड आउट कर रहा हूँ। एंड अब मैं इस आईब्रोज़ को कंसील कर रहा हूँ सो दैट आई कैन गेट अ बेटर शेप ऑफ द आईब्रोज। एंड फॉर दैट आई हैव यूज्ड अ कंसीलर ओवर हियर। आई थिंक दिस वॉज द मिस्रोज कंसीलर और उससे मैंने आईब्रोज़ को कट किया है। एंड ये मैंने इनके शेड से एक ब्राइटर शेड लिया। ऑब्वियसली हम आई बेस के तौर पे एक ब्राइट कलर लेते हैं सो दैट हमारे कलर्स पॉप करके आएँ। एंड दो आई हैव कंसील्ड बोथ द आईज और उसके बाद फिर मैंने आई मेकअप स्टार्ट किया है। तो आई होप के आप लोगों को मेरा मेकअप भी पसंद आएगा एंड यू गाइज आर गोना सपोर्ट मी। आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें सो दैट आई कैन get like a good response from you guys so that फिर मैं आगे इसी तरह अच्छे अच्छे tutorials लेके आता रहूँ। and अभी I am concealing the eyebrows। उसके बाद फिर मैंने आई थिंक इसको beauty blender के साथ blend किया है। and इसी तरह जो है ये basically मैंने like this video is for beginners as well के वो देख सकें कि मैंने क्या इस video में tips and tricks use की हैं। एंड मैंने कुछ भी ज़्यादा कटिंग्स नहीं की, जो कुछ भी मैंने किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल एज इट इज़ शो किया है एंड बिल्कुल ओरिजिनल शो की है हर चीज़। किसी भी चीज़ में मैंने एक्स्ट्रा किया मैंने फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं यूज़ किए, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल एज इट इज़ पूरी वीडियो जो है वो एडिट कर की है। इसमें कहीं पर भी फ़िल्टर या कहीं पर भी एडिटिंग नहीं आपको मिलेगी, इट्स जस्ट द नेचुरल वीडियो। एंड अभी जो है वो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगा एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी फिनिश्ड लुक आएगा इसके बाद। एंड अभी इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने पूरे आईब्रोज़ को ब्लेंड कर दिया एंड नाउ हियर वी स्टार्ट विद द आई मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो एक वॉर्म ट्रांजिशन शेड पिक किया है अपने आई पैलेट में से एंड जस्ट टू डिफाइन द क्रीज एंड आईज की कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये उठाया है कलर। एंड हियर आई विल डिस्क्राइब के वॉट एम आई एक्चुअली डूइंग। बेसिकली ये एक ब्लैक स्मोकी लुक मैं कर रहा हूँ विच इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज, हर किसी को ब्लैक स्मोकी लुक चाहिए होता है। तो दिस लुक इज़ लाइक फ्रॉम द बिगेनिंग टिल द एंड इन डिटेल सो यू गाइज कैन ईजली सी एंड यू गाइज कैन लर्न फ्रॉम हियर कि मैंने एक लाइक ब्लैक स्मोकी लुक कैसे अचीव किया है। आप भी इसी तरह इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस लुक को अचीव कर सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द लाइटर कलर्स और प्रोडक्ट को हमेशा कम लेना चाहिए ताकि हमें एक डार्क पिगमेंट आई पे ना दिखे। एंड डेफिनेटली हम लोग जो है कलर को डिवेलप कर सकते हैं, बिल्डेबल शेड्स होते हैं तो उसको जिस तरह का हमारा रिक्वायर्ड हमें शेड चाहिए होता है हम उसको ऑब्वियसली अचीव कर सकते हैं। तो हियर आई एम ब्लेंडिंग दिस ट्रांजिशन शेड, पहले मैंने कलर को जस्ट रखा था एंड नाउ विद अ ब्लेंडिंग ब्रश मैं जो हूँ इस कलर को क्रीज के अंदर ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ डार्कर ब्राउन कलर जिससे मैं आउटर कॉर्नर को डिफाइन करूँगा और डेप्थ दूंगा एंड पूरे आईबॉल पे इसको मैं अप्लाई करूँगा बिकॉज आई एम डूइंग अ ब्लैक स्मोकी लुक। तो मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली कलर को डार्क करूँगा, पहले मैंने जिस कॉन्टोर किया आई को एंड नाउ आई एम पिकिंग अप द डार्कर कलर्स।
और अभी मैं इसको ब्राउन से ब्लेंड कर रहा हूँ एंड देन आई विल बी अप्लाइंग ब्लैक कलर एज वेल. सो वेट टू वॉच दैट. तो एज यू गाइस कैन सी कि मैंने जो है आई मेकअप पे सबसे ज़्यादा जो फोकस मेरा है वो है ब्लेंडिंग पे. जो भी कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी सबसे पहले मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ सो दैट द आई मेकअप लुक मोर सटल एंड ब्लेंडेड. कोई भी हार्श लाइंस ना उसमें शो हो एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग ओवर द आई शेडोज एंड उसके साथ साथ मैं कलर पिक भी कर रहा हूँ सो दैट आई कैन डिवेलप द कलर एज वेल. बट एट द सेम टाइम आई एम ब्लेंडिंग इट अगैन एंड अगैन सो दैट देयर इज नो हार्श लाइन लेफ्ट ओवर एंड अगैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट. तो मेकअप करते हुए जो है आपका आई मेकअप करते हुए आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए सो दैट द नेक्स्ट पर्सन जो आपको देख रहे हैं लोग उनको आप अट्रैक्ट करो रादर देन आप उनको लाइक बुरे लगो. सो नाउ आई एम यूजिंग अ ब्लैक पेंसिल ओवर हियर. आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड राइट नाउ बट दिस पेंसिल इज सो लाइक जट ब्लैक पेंसिल एंड आई रियली लव द पिगमेंट. तो इस पेंसिल को मैंने दोनों आईज पे अप्लाई किया है उसके बाद फिर मैंने इसको ब्लेंड आउट किया है एंड इन अदर वर्ड्स मैंने इसको स्मोक आउट किया है. लाइक दिस आई हैव अप्लाइड ऑन द बोथ आईज एंड उसके बाद फिर मैंने इसकी ब्लेंडिंग की है. एंड स्पेशली जब आप कोई स्मोकी आईज कर रहे होते हैं वेदर इट्स ब्लैक स्मोकी ब्राउन स्मोकी और एनी कलर स्मोकी आई यू आर डूइंग उसमें ब्लेंडिंग इज़ द ओनली की टू लाइक टू गेट द फाइनल रिजल्ट टू अचीव द लुक विच यू वॉन्ट टू. आपका डिज़ायर लुक सिर्फ तभी आएगा जब आप उसकी ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे एंड कलर को डिवेलप अच्छा करेंगे क्योंकि कलर बार बार अप्लाई करना पड़ता है टू गेट अ परफेक्ट पिगमेंट टू और टू गेट अ परफेक्ट शेड जो आप डिज़ायर कर रहे होते हैं. सी आई एम ब्लेंडिंग इट अगेन विद द ब्राउन आई शेडो सो दैट ब्लैक और ब्राउन के बीच में कोई हार्श लाइन्स ना हो. तो ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग. तो दिस इज़ हाउ आई हैव डन दिस लुक एंड अगेन नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लैक शेड एज वेल. मैंने पहले ब्राउन को ब्लेंड किया फिर दोबारा मैंने ब्लैक अप्लाई कर रहा हूँ दोनों आँखों पे. इसी तरह मैंने काफ़ी बार ये करा था टू गेट माय डिज़ायर कलर ऑन बोथ ऑफ द आईज. अब मैं पूरे ओवरऑल आई को ब्लेंड कर रहा हूँ सो दैट देयर इज नो हार्श लाइंस लेफ्ट ओवर. And now I'm doing the face makeup, I mean the base makeup I'm doing and for that my skin was already prepped. So I'm directly gonna start with a color corrector. It's a LA Girl Pro Conceal Peach Color Corrector. I've applied on the areas जो कि मुझे लगा जहाँ पर coverage की ज़रूरत है and जहाँ से टू टोन हो रहा है वहाँ पर मैंने apply किया है. So as you guys can see के all हमारे face के around always जो है वो लाफ लाइन्स आ जाती हैं या ग्रे लगने लगता है तो इसलिए मैंने पूरे और इनका फोरहेड भी मुझे लग रहा था कि टू टोन है सो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया एंड आई अप्लाइड द लाइक पीच कलर करेक्टर वेर एवर आई विश्ड एंड वेर एवर इट वॉज वॉन्टेड एक्चुअली. और उसके बाद फिर मैंने इसको ब्लेंड किया है ईजिली विद द ब्यूटी ब्लेंडर एंड एज यू गाइस कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट. तो इसको ईजिली ब्लेंड किया है मैंने उसके बाद फिर आई अप्लाई दिस लिपस्टिक. इट्स लाइक इट्स अ स्लाइट नॉट स्लाइट इट्स अ पिंकिश कलर लिपस्टिक. उसको मैंने अप्लाई करके ब्लेंड आउट किया सो दैट इट गिव्स अ नेचुरल ब्लश ऑन बीनीथ द फाउंडेशन. इसको अप्लाई करने के बाद आई हैव यूज्ड मिस रोज बेज 4 फाउंडेशन. आई हैव अप्लाइड द फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. इट्स अ फ्लैट ब्रश एंड आई रिपीट इट्स अ मिस रोज फाउंडेशन इन बेज 4 एंड इसको मैंने अप्लाई किया है वेयर आई थिंक मतलब मैंने इसको हाईलाइटेड एरियाज पे अप्लाई किया है पूरे फेस पे डॉट्स की फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है. इस वे में अप्लाई करने से मुझे लिफ्टेड इफेक्ट मिलेगा सो इट्स अ टेक्निक फॉर अ लिफ्टेड फेस. सो आप लोग ये टेक्निक भी पिक कर सकते हैं यहाँ से टू गेट अ लिफ्टेड फेस आफ्टर डूइंग योर फाउंडेशन. सो नेक्स्ट मैंने जो है मिस रोज का नॉट मिस रोज आई हैव यूज्ड rose water over here so that blending mein koi issue na ho soft and subtle blending ho. So here I'm just blending the foundation perfectly so that everything just settles down. And aap log mujhe comment mein bata sakte hain ki aap logon ko kis kis tarah ka look seekhna hai aur kis type ki videos aap logon ko chahiye hain so that main us topic pe bhi video bana sakun. एंड माई चैनल इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकअप. मैं अपने चैनल के ऊपर जो है ब्लॉगिंग भी
और डिफरेंट टाइप की चैलेंजेस और हर किस्म की वीडियो लेकर आऊँगा सो दैट एवरीवन कैन टेक इंटरेस्ट. एंड सेकेंडली मैं दिस इज़ अ गर्ल ट्यूटोरियल, मैं लड़कों के लिए भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा एंड लड़कियों के लिए भी, सो दैट लड़के और लड़कियों दोनों को मेरी वीडियोस से हेल्प मिल सके कि मैं मतलब उनको बेटर वे में कन्वे कर सकूँ अपने कॉन्टेंट को. एंड यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है, अगैन इट्स मिस रोज कंसीलर, आई हैव जस्ट अप्लाइड ऑन द हाईलाइटेड एरियाज. और अभी मैं जो हूँ कॉन्टोरिंग करूँगा, सेम पैलेट में से मैंने एक वॉर्म सा शेड लिया है फॉर द कॉन्टोरिंग. अगर आपके पास कॉन्टोरिंग के लिए शेड नहीं है तो अगर तो आप अपने आई शेडो पैलेट में से भी यूज़ कर सकते हैं. इवन यू गाइज कैन डू द ब्लशन फ्रॉम द आई शेडो पैलेट. तो इट डजेंट मैटर कि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, नो आप लोग एक पैलेट में से भी अपना का आधे से ज़्यादा काम कर सकते हैं. तो एज़ आई वाज सेइंग बिफोर कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अपनी किस तरह की वीडियोस लेकर आऊँ. आप लोगों को व्लॉगिंग चाहिए या मोर ऑफ मेकअप चाहिए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप चाहिए? यू गाइस कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि किस टाइप का कॉन्टेंट आपको मेरे चैनल पर चाहिए सो दैट आई कैन कम अप विद दैट सॉर्ट ऑफ वीडियोज़. और अभी यहाँ पर मैंने पूरा ब्लेंडिंग किया है, फोरहेड पे कॉन्टोर किया है सो दैट इट लुक्स इवन. नोज़ कंट्रोल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एंड ट्राई टू कीप बोथ द लाइंस एज क्लोजर एज यू गाइस कैन, ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस सो दैट आप लोग का नोज़ जो है आप जब कंट्रोल करें तो वो अच्छे से कंट्रोल हो पाए. सो हियर आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट सो दैट देयर इज़ नो हार्श लाइन लेफ्ट ओवर. अच्छी तरह से ब्लेंडिंग, स्पेशली आप लोग कंट्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग का ध्यान रखा करें बिकॉज लोग जो हैं वो एक डार्क ब्राउन कलर पिक कर लेते हैं जो कि उनसे इजीली ब्लेंड नहीं हो पाता. तो आप कोशिश करा करें कि आप लाइट से लाइटर ब्राउन कलर या कोई भी वार्म कलर सेलेक्ट करें और उसकी ब्लेंडिंग जो है वो प्रॉपर करें. एंड दिस इज़ द टेक्निक हाउ आई कंट्रोल द नोज़. मतलब मैं डिफरेंट तरह की टेक्निक से नोज़ कंट्रोल करता हूँ बट इस वीडियो में मुझे लगा कि मुझे इस तरह करना चाहिए तो मैंने इसी तरह कंट्रोल किया है. अभी जो है वो मैं अंडर आई पे जो हमारी क्रीज लाइंस आ जाती हैं उनको ब्लेंड आउट कर रहा हूँ. और उसके बाद फिर मैंने इस फेस पाउडर से बेकिंग की है ओवरऑल द फेस. एंड एज यू गाइस कैन सी आई एम डूइंग द बेकिंग राइट नाउ. मेरे को जहाँ जहाँ पे हाईलाइट जहाँ जहाँ पे मुझे फील हुआ मैंने वहाँ वहाँ पे बेकिंग की. एंड आई होप दैट यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो. And trust me, the final look is absolutely amazing. You guys are gonna love it. And अगर अभी इस पॉइंट पर किसी को भी कोई हार्श लाइन या कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स gonna be amazing in the end. Right now, I'm gonna do the lower lash line. तो for that, first of all, I've taken the lighter shade, a warm shade. जिस तरह मैंने अपर आई किया था उसी तरह मैं लोअर आईज़ पे भी करूँगा. I'll start up with the lighter shade. उसके बाद फिर मैं डार्क शेड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल बी पिकिंग अप द डार्कर शेड्स एंड देन फाइनली इन द एंड मैं ब्लैक के साथ आईज़ को स्मज आउट करूँगा. So here I'm applying a darker brown shade and like this. अब मैंने black shade भी pick किया है साथ में and I'm start blending it with a black shade so that it looks all blended and smudged. Like this. You guys should focus more on the blending and you guys are gonna love the final look, trust the process. And here I've applied more black shade so that mujhe mera desire jo color hai wo mil paaye. And I'm just blending and blending the whole eye makeup. And now I'm gonna take a fluffy brush and I'll just blend all the eye makeup everywhere. Wherever I feel like. Now here I've taken the mascara, it's Bob mascara and I really love this mascara because it's very good. I've applied mascara on both of the eyes
and it looks good. I've not applied much of mascara because I had to apply eyelashes, so I've just given a thin coat. और जो मैंने बेकिंग की हुई थी मैंने उसको रिमूव किया है सो दैट एवरीथिंग लुक्स सटल. जो भी बेकिंग थी ओवरऑल फेस पे वो मैंने सब रिमूव करी है. सो हियर आई वाज ब्लेंडिंग ओवरऑल एवरीथिंग इन सो दैट एवरीथिंग लुक्स सटल एंड ब्लेंडेड. हियर आई एम अप्लाइंग लेंसेज. अगर आप लोगों को लेंसेज की एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं लेंसेज पे एक डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूं कि लेंसेज को अप्लाई किस तरह करते हैं और लेंसेज का शेड किस तरह सिलेक्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली एंड लेंसेज को अप्लाई कैसे करना है और उतारना कैसे, उनको मेनटेन कैसे करना है, हाउ टू कीप दैम, एवरी थिंग आई एम गोना एक्सप्लेन इन द वीडियो. जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और यहाँ पर मैं ब्लश ऑन कर रहा हूँ. आई हैव यूज्ड अ पीच और ऑरेंज ब्लश ऑन ओवर हियर. आई हैव नॉट गॉन फॉर द ब्लैक. और यहाँ पे मैं आईलैशेस अप्लाई कर रहा हूँ एंड आप लोगों ने जैसे कि देखा कि मैंने ब्लश ऑन भी उसी सेम पैलेट में से किया है. मैंने डिफरेंट पैलेट या कोई अलग ब्लश ऑन नहीं पे किया. आई हैव यूज्ड आई यूटिलाइज द सेम पैलेट फॉर ईच एंड एवरी थिंग. अप्रॉक्सीमेटली फॉर एवरी थिंग आई हैव यूज्ड द सेम पैलेट, लाइक फॉर द कॉन्टूरिंग, आई मेकअप, ब्लश ऑन, ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए. और यहाँ पे मैं लैशेस अप्लाई कर रहा हूँ एंड दीज वर 3D लैशेस. आई होप दैट यू गाइज आर लाइकिंग द लुक. सो दोनों आँखों पे मैंने लाइनर का थिन कोट दिया है एंड देन उसके बाद अब आई हैव अप्लाइड द लैशेस एज वेल. अगर आपको लैशेस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं. आई विल डू अ डिटेल्ड वीडियो. माय चैनल इज़ बेसिकली अबाउट एवरीथिंग. मैं पर्टिकुलरली सिर्फ मेकअप नहीं लेकर आऊँगा. आई विल ब्रिंग लाइक व्लॉगिंग एज वेल, चैलेंजेस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियोज एंड विच यू गाइज आर गोना लाइक. So just stay tuned for it. Abhi maine inner corner draw kiya hai so that eyes look more dimensional, eyes ki shape proper prominent ho. Here I've taken this palette from Huda Beauty and I'm just gonna highlight the inner corner and the brow bone so that everything looks highlighted. यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश यूज़ किया है सो दैट एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड, कोई भी हार्श लाइन ना रहे. और उसी पैलेट के अंदर से मैंने एक शिमर शेड पिक किया है फॉर द हाइलाइटर. जो मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है वही शेड जो है शिमर शेड का मैंने अप्लाई किया है. इट्स अ पिंकिश और व्हाट डू वी से पीची टोन्ड ऑफ हाइलाइटर. और अ शेड जो कि मैंने एज अ हाइलाइटर यूज़ किया है, पूरी नोज़ पे मैंने एक लाइन नहीं बनाई हाइलाइटर की, जस्ट जहाँ जहाँ पे मुझे लगा हाइलाइटर की ज़रूरत है वहाँ पे लगाई है. पूरे नोज़ ब्रिज पे मैंने हाइलाइटर नहीं अप्लाई किया है एंड ओवरऑल जहाँ जहाँ पे मुझे फील हुआ हाइलाइटर लगाना चाहिए सो दैट एवरीथिंग पॉप्स मैंने वहाँ लगाया है. एंड अब इस हाइलाइटर को मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट किया है सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना नज़र आए और कैमरे पर अच्छे से पॉप करे हर चीज़. सो हियर आई थिंक माई लुक वॉज ऑलमोस्ट डन. अब बारी आती है लिप कलर की. फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नॉर्मल से लिप पेंसिल से लिप लाइन किए हैं सो दैट मैं प्रॉपरली शेप कर सकूँ उनको. एंड नेक्स्ट आई हैव यूज्ड, आई थिंक आई हैव यूज्ड टू लिप कलर्स इन दिस लुक. फर्स्ट इज़ अ लाइटर ब्राउन कलर, इट्स अ पिंकिश और अ रेडिश, नॉट रेडिश एक्चुअली बट इट्स अ पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर. एंड इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डार्क ब्राउन कलर अप्लाई किया है टू गेट माई डिज़ायर कलर. आप लोग भी इसी तरह से कुछ कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर भी बना सकते हैं. हियर आई एम यूजिंग द अदर ब्राउन कलर.
I just hope that you guys are liking this look, and I'll be coming up with more looks as well. Just stay tuned for that. And in the end, I've just sprayed the rose water. Rose water also works as a setting spray as well. If you guys do not know, तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि रोज़ वाटर एक सेटिंग स्प्रे के तौर पे भी काम करता है, तो आप लोग उसको एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है बारी आती है हमारे हेयर स्टाइल की। तो फॉर द हेयर स्टाइल मैंने जो है जस्ट लूज कर्ल्स दिए हैं इनको, एंड मैसी या लूज कर्ल्स आप कह सकते हैं। कोई प्रॉपर मैंने कर्लिंग नहीं की, अब जस्ट डन द लूज कर्ल्स। एंड ये जो लुक है ये सेंटर पार्टीशन लुक रहेगा, तो बिकॉज सेंटर पार्ट में दिस लुक्स मोर क्लासी, तो मैंने इसलिए सेंटर पार्ट में ही इसे रखा है। एंड अब मैंने दूसरी साइड पे भी एग्जैक्ट वही पैटर्न अप्लाई किया है, बट मैंने वहाँ पे मैंने दोनों साइड से मैंने आउटवर्ड कर्ल्स किए हैं, मैंने इनवर्ड्स या किसी और तरीके से कर्ल्स नहीं किए। कर्ल्स जो हैं वो आउटवर्ड्स हैं, इफ़ यू गाइज डू नॉट नो, तो दीज गर्ल्स आर आउटवर्ड गर्ल्स। एंड नाउ द टाइम कम्स सो दैट टाइम वक्त आ चुका है कि आप लोग फाइनल लुक देखें। एंड एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट वॉइस ओवर फॉर द यूट्यूब, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि किस तरह वॉइस ओवर करते हैं यूट्यूब के लिए स्पेशली। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वियर्ड नहीं लगा होगा कि मैंने किस तरह इस वीडियो को वॉइस ओवर किया है। So I think I was almost done. मैंने जस्ट सेटिंग स्प्रे हेयर्स सेटिंग स्प्रे से जस्ट वो किया है, हेयर्स को सेट किया है। एंड आई मेड श्योर कि एवरी थिंग लुक्स गुड, लुक्स फाइन नाउ। सो हेयर इज द लुक। So are you guys waiting for the transformation? If yes, then here it comes. This was the final look. I hope that you guys are gonna love it. This looks so classy and trendy at the same time. The jewelry just perfectly fits in. Aur har cheez jo hai wo properly blended aur subtle lag rahi hai. And umeed hai ki aapko ye tutorial pasand aaya hoga. Agar aaya hai to is video ko like kariye. मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मेरी आने वाली वीडियोस के लिए भी एक्साइटेड रहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि एक ब्लैक साड़ी वाला वाइब आए, एंड दिस लुक्स सुपर क्रेजी। कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली ये लुक बहुत पसंद आया है, करीब से भी देखें, एवरी थिंग लुक्स सो गुड। एंड लैशेज़ भी प्रॉपरली अप्लाइड हैं, लैशेज़ में कोई एरर नहीं है, लैशेज़ इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक परफेक्टली अप्लाइड हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपने भाई से कहा था कि रिंग लाइट को कैरी करे सो दैट मैं अच्छे से शॉट्स ले सकूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कैमरा वर्किंग भी अच्छी लग रही होगी, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज शूटिंग अ वीडियो फॉर यूट्यूब। सो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरह करते हैं यूट्यूब के लिए वीडियो शूट। सो इन द एंड मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच किए हैं सो दैट यू गाइज कैन गेट अ बेटर व्यू ऑफ द लुक। सो दीज वर द पिक्चर्स। You guys can see के lashes and everything looks good. This is the front view, and I hope that you guys like my video. If yes, then like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much if you were watching this video. मैं इसी तरह नई videos के साथ आता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये video पसंद आई होगी। तो यह video का end हुआ चाहता है और मैं आपसे मिलूँगा next video में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।